आई एम डॉक्टर रितु जैन, मैं एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ। तो आज मैं आपको कुछ नेचुरोपैथिक रेमेडीज शेयर करने जा रही हूँ, जिनसे कि आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, अपनी डेली की लाइफस्टाइल जो है इस सिचुएशन में जहाँ पर हम कोरोना वायरस वर्ड से बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए हैं। तो साथ साथ एक दूसरा वर्ड और है जो हमको हर जगह सुनाई देता है, चाहे हम न्यूज चैनल देखें या किसी से बात करें, तो वो वर्ड आता है इम्यूनिटी। कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, मेंटेन रखें, हेल्दी कैसे रखें, राइट? तो इस सिचुएशन में यदि हम बाहर जा रहे हैं तो मन में एक डाउट आता है कि क्या हम साथ में वायरस तो लेके नहीं आ रहे अपने? तो ऐसा नहीं है। यदि हम प्रिकॉशन रखते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं, तो आप काफी हद तक सेफ रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हम सबको पता है कि हमको मास्क लगाना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमको सैनिटाइज करना है अपने हैंड्स को, उसके साथ साथ कुछ नेचुरोपैथिक रेमेडीज जैसे कि जो सामान हमारे किचन में ही अवेलेबल है उनके साथ में आप यूज करके आराम से बाहर जा सकते हैं, घर में भी रह सकते हैं। तो तीन रेमेडीज मैं शेयर कर रही हूँ, उसमें से आपको एक ही यूज करना है, ऐसा नहीं कि तीनों आपको यूज करनी है। ओके, सो नंबर वन, एक जिंजर का छोटा सा पीस आप उसको गैस में फ्लेम में गरम कर लीजिए। गरम हो जाएगा तो उसके बाद हल्का ठंडा हो जाए, मेक श्योर कि भाई मुंह ना जल जाए, इतना गरम भी नहीं रखना है, तो उसको आप अपने मुंह में रखिए एंड मास्क लगा के आराम से बाहर जाइए। तो जब भी आप बाहर है उसको धीरे धीरे च्यू करते रहिए और उसका जूस अंदर सक करते रहेंगे, तो काफी आपको सूदन करेगा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। सेकेंड थिंग, आप दो काली मिर्च के दाने ले सकते हैं, चार पांच अजवाइन के दाने, छोटा सा टुकड़ा रॉक सॉल्ट का, ये तीनों चीजें आप अपने मुंह में रख के आराम से जा सकते हैं। थर्ड, मुलेठी काफी फेमस है हमारे इंडिया में, तो मुलेठी का छोटा सा स्टिक आप ले लीजिए, साथ में लौंग, लौंग को हाफ कर दिए, हाफ जो एक टुकड़ा है उसको हाफ ले लीजिए एंड उसको भी आप च्यू करके बाहर रह सकते हैं, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, फिर बाहर जब तक आप हैं ये आपके मुंह में रहेगा, आप उसको च्यू करते रहिए, उसका जूस सॉलो करते रहिए, तो आपको एक सेफ्टी प्रिकॉशन रहता है, माइंड में भी रहता है कि हाँ हमने कुछ लिया हुआ है, सो वी आर सेफ, बिकॉज माइंड भी बहुत एक यू नो प्ले करता है गेम हमको हर चीज में सेफ रहने में, सिक्योर रहने में। हम माइंड से भी हेल्दी हैं तो फिर हम बॉडी से भी हेल्दी रहते ही हैं। देन जब आप वापस आते हैं घर पे, तो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमको रखने हैं उसके साथ साथ आपको दो चीजें करनी है। नंबर वन, या तो आप स्टीम ले लीजिए या फिर आप ये गागल कर लीजिए। कई लोगों को स्टीमिंग पसंद नहीं होती है या बच्चे वगैरह हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है स्टीम लेना। तो दोनों का मैं आपको शेयर कर रही हूँ रेमेडी, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप यूज करिए। सो इफ यू आर टेकिंग द स्टीम, देन उसमें पानी बॉइल करिए, पानी में फ्यू मिंट लीव्स एंड 1/4 टीस्पून ऑफ अजवाइन का डालिए, अच्छे से बॉइल हो जाएगा पानी, तो उसका आप स्टीम ले लीजिए। ओके, एंड एक चीज और आप करिए, जब भी आप स्टीम ले रहे हैं तो नाक के जो अपने नोस्ट्रल्स हैं उसमें दो दो ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल या फिर सेसमे ऑयल का आप डालिए। ओके, उसके बाद आप स्टीम ले लीजिए। तो यदि कुछ इन्फेक्शन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया है तो वो उसको किल करके सूदन कर देगा। सेकंड थिंग, आप गार्गल कर सकते हैं। गार्गलिंग के लिए आपको एक ग्लास पानी में 1/4 टीस्पून सॉल्ट लेना है, 1/4 टीस्पून आपको टर्मरिक पाउडर लेना है, अच्छे से बॉईल करिए उसको भी एंड थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए जब भी उससे आप गार्गल कर लीजिए। ये तो हो गया बाहर से आने के बाद आपको करना है। थर्ड, बाहर से आप आए हैं आपको भी एंड जो बाकी लोग घर में हैं उनको भी जो
प्रिकॉशन लेने के साथ साथ एक मैं हर्बल ड्रिंक शेयर कर रही हूँ, वो लेनी ही है हम सबको, ताकि हमारा सिस्टम जो है अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहे, इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए इजीली हमारे इंडियन किचन में अवेलेबल है, आपको क्या क्या लेना है, एक चम्मच सौंफ, एक छोटी इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक, एक छोटा टुकड़ा हल्दी, हल्दी फ्रेश नहीं है तो आप उसका पाउडर भी ले सकते हैं, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, एक पीपल और कुछ पुदीने की और तुलसी की पत्तियां उसमें ऐड करनी है। एंड यदि आपके एरिया पे ये गिलोय अवेलेबल है तो उसका आप स्टेम ले लीजिए, वो बहुत अच्छा है, स्टेम ज्यादा फायदा करता है। तो ये सारी चीजें के साथ दो दाने काली मिर्च के भी उसमें आप अच्छे से सबको क्रश करके 1.5 ग्लास वाटर में बॉईल करिए 5 मिनट्स तक। 2-3 बॉईल आने के बाद उसमें 2 ड्रॉप घी के डालिए, देशी घी के, और अच्छे से बॉईल करके उसको ढक के रखिए 2-3 मिनट तक। उसके बाद उसको छानिए गरम गरम, और उसमें छानने के बाद 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करके उसको धीरे धीरे सिप सिप करके, जैसे गरम चाय कॉफी पीते हैं वैसे उसको पीना है। तो इस ड्रिंक को भी हम दिन में 2-3 बार पियेंगे तो काफी हद तक हम अपने जो भी सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, डेली मॉर्निंग में जब भी हम उठे तो ट्राई करें, हमको ठंडा पानी नहीं यूज करना है, गर्म पानी पीना है। गर्म पानी के साथ साथ 1 टीस्पून आपको आंवला पाउडर लेना है, वो भी हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और यदि आंवला का जूस, फ्रेश आंवला का जूस अवेलेबल एंड आपके लिए बनाना पॉसिबल है सो आप आंवला जूस भी ले सकते हैं, 2 टीस्पून आंवला जूस वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो भी सीजनल एंड लोकल फ्रूट्स हैं, अभी जो सीजन में है, सारे फ्रूट्स आप खाइए, कलरफुल वेजिटेबल्स अपने डाइट में ऐड करिए, बिकॉज चेंज कर करके जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐड करते हैं तो उन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से आपको सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं जो आपके बॉडी को और हेल्दी रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ आप साबुत अनाज जो है, दालें हैं, वो ऐड करिए। रात को सो रहे हैं तो आपको टर्मरिक मिल्क, जिसको गोल्डन मिल्क आजकल बोलते हैं, तो मिल्क में टर्मरिक एंड एक काली मिर्च एंड एक छोटा सा इलायची, छोटा दाना इलायची का, उसको भी अच्छे से बॉईल करके वो आप यूज कर सकते हैं। शुगर कम यूज करिए, ऑयली एंड रिफाइंड चीजें बाहर का तो काफी हद तक अभी अवॉइड कर दिया है, तो ट्राई टू अवॉइड ऑल आउटसाइड फूड आइटम्स। तो ये सारे प्रिकॉशंस आप अपने घर में फूड को लेके भी करते हैं तो काफी हद तक आप अपनी हेल्थ को और इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं एंड बूस्टअप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो अभी हर्बल रेमेडीज हो गई है तो हमारी, अब मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताती हूँ, जिससे कि यदि घर में कोई इंसान है इन्फेक्टेड भी हो गया है इस वायरस से, या उसको कुछ सर्दी खांसी है या कुछ ब्रीदिंग इश्यू है, तो वो भी उनको यूज करके अपने आप को हील कर सकता है। अदरवाइज जो घर में सब हेल्दी लोग हैं उनको भी ये पॉइंट्स डेली में यूज करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा हाथ है यहाँ पर, हमारा रिस्ट का ये जो जॉइंट होता है यहाँ पर, यहाँ ये जॉइंट से यहाँ आप अपनी 3 फिंगर्स रखिए। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी इस प्रेशर पॉइंट को दे रहा है उसकी फिंगर्स को मेजर करेंगे। सपोज मैं ये प्रेशर पॉइंट ले रही हूँ तो मेरी फिंगर्स यूज होंगी इसमें, एंड यदि मैं किसी दूसरे पर्सन को दे रही हूँ ये पॉइंट्स तो मैं उसकी फिंगर्स का मेजरमेंट लूंगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे नहीं कि आप किसी दूसरे पर्सन को ये पॉइंट दे रहे हैं और आप अपनी फिंगर्स उसमें मेजर कर रहे हैं, सो नो, आप उनकी फिंगर की मेजरमेंट्स करिए, राइट। तो ये जो रिस्ट जॉइंट है यहाँ से आपने 3 फिंगर्स रख के, एंड ये जो यहाँ फिनिश हो रहा है यहाँ पर आपको एक हल्का सा बोन टेंडन फील होगा, तो ये जो पॉइंट आता है यहाँ पर आप इसको 1 मिनट तक धीरे से प्रेस करके रखिए। सेकंड,
ये जो हमारा हैंड है रिस्ट, ये हो गया रिस्ट के बाद ये हमारा एल्बो, एल्बो को फोल्ड करिए तो ये क्रीज बनता है, यहाँ पर क्रीज दिखाई देगा आपको अच्छे से। तो ये जो एल्बो का क्रीज पर यहाँ से आप एक फिंगर रखेंगे और उसके सीधी में ही यहाँ आपको धीरे से प्रेस करना है, ये भी आप 1 मिनट तक प्रेस करके रखिए। थर्ड, हाथ में ही एक पॉइंट है यहाँ पर, जब ऐसे सीधा रखेंगे हाथ को तो ये थंब के और फिंगर्स की लाइन जहाँ फिनिश होती है यहाँ पर आपको एक क्रीज में एक पॉइंट दिखेगा फोल्ड पर, तो इसको हमको पॉइंट को प्रेस करना है। इसके लिए हम यहाँ पर थंब से उसको सपोर्ट देके ऐसे, यहाँ से थंब से सपोर्ट देके ऐसे प्रेस कर सकते हैं, तो काफी अच्छा प्रेशर आपको यहाँ आगे भी फील होगा एंड यहाँ पे भी फील होगा। दिस इज वेरी गुड फॉर ऑल योर इम्यूनिटी एंड हार्मोनल इम्बेलेंस ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर गले में आता है, ये जो हमारी कॉलर बोन है काफी लोगों की तो बहुत प्रोमिनेंट होती है, बट इसको लोकेट करने के लिए ये जो ऐसे थोड़ा सा नीचे करिए गर्दन को, यहाँ एक हल्का सा आपको गड्ढा सा दिखाई देगा, तो यहाँ से स्ट्रेट गए तो ये कॉलर बोन आई, तो इसके सेंटर में एक गड्ढा, ये आपको कॉलर बोन मिली ऐसे गए और इसके सेंटर पर यहाँ पर दोनों साइड में इसको प्रेस करिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यदि लंग्स में भी कुछ इन्फेक्शन आ गया है, सर्दी खांसी हो रही है, तो उस पोजीशन में भी उस कंडीशन में भी ये बहुत सूदिंग देता है, काफी रिलीफ होता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैंने आपको बताई कि ये हाथ में बताई, तो जितने पॉइंट्स आपको ये हैंड में करने हैं ये हैंड्स में भी करने हैं। ऑलवेज एक्यूप्रेशर के जो हम पॉइंट्स देते हैं हम वो दोनों साइड में देते हैं, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी का हमारा फ्लो है वो बैलेंस हो जाए, ऐसे नहीं कि एक हाथ में दे दिया छोड़ दिया दूसरे हैंड में।